भरतपुर के वार्ड नंबर 23 के पार्षद कपिल फौजदार ने वार्ड नंबर 43 में सैनिटाइज कराया। कपिल फौजदार ने इस मुहिम को जिला प्रशासन की अनुमति से चालू किया है तथा कलेक्टर नथमन डिडेल ने सैनिटाइजर रथ को हरी झंडी दिखाकर चालू करवाया। वार्ड नंबर 43 की महिला कांग्रेस जिला महासचिव बबीता शर्मा ने बताया कि बहुत ही सराहनीय पहल चालू की है, इससे और भी वार्डो के पार्षदों को समझना चाहिए, हम उनका सम्मान करते हैं। बबीता शर्मा ने उनकी सोच और कार्य को सराहनीय कहा। इस कार्यक्रम में बबीता शर्मा, वीरेंद्र देशवाल, साधना शर्मा, देवान सोनू सियाराम आदि लोग मौजूद रहे। बबीता शर्मा ने लोगों से अपील की, अगर घर से बाहर आप निकले तो मास्क लगा कर जाएं, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए भरतपुर से कृष्णकांत शर्मा की यह खास रिपोर्ट। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जो लोग जानते हैं कि वार्ड नंबर 23 के पार्षद कपिल फौजदार, उन्होंने एक रथ सैनिटाइजर मुहिम कराया है, जो कलेक्टर साहब ने उसको हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन किया था। प्रशासन के साथ उन्होंने ये कार्रवाई मुहिम कराई और ये रथ पूरे भरतपुर में चल रहा है। कुमेर गेट, हीरादास, लक्ष्मण मंदिर, वासन गेट वगैरह पे सब पे होते हुए और आज जवाहर नगर वार्ड नंबर 43 में ये रथ आया, जिसमें कपिल फौजदार जी खुद स्वयं सैनिटाइजर कर रहे थे। तो हमें बहुत खुशी हुई कि कपिल फौजदार जी वार्ड नंबर 23 के पार्षद होते हुए वार्ड नंबर 43 में आए, तो हम लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्होंने जो मुहिम कराई है सैनिटाइजर रथ का, वो बहुत ही अच्छा है और प्रेरणा स्रोत है, जिससे लोगों को ये जानकारी जानने में भी खुशी मिल रही है कि एक पार्षद जो है वो एक सैनिटाइजर रथ चला के और स्वयं सैनिटाइजर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। इसमें हमारे और पार्षदों को भी आगे आना चाहिए। तो जिस तरीके से कपिल फौजदार जी काम कर रहे हैं, तो अपने सारे पार्षद मिलकर अपने अपने वार्डों का भी करें तो बहुत अच्छी एक मुहिम होगी। अपने बाड़ों के लिए सब सोचते हैं, लेकिन अन्यथा बाड़ों के लिए जो सोच रहे हैं वो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं तो यही अपेक्षा करती हूँ, कपिल फौजदार जी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। उन्होंने हमारे वार्ड में आकर जो सैनिटाइज किया उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वार्ड वासी 43 नंबर के, उन्होंने कपिल फौजदार जी का भव्य स्वागत किया।